हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनबीआर बैक रिपेयर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यूएस स्पोर्ट बिना सेल्फ वाली। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो कंप्यूटर का सेटिंग है, हमने यहाँ से सेटिंग करके देखा था, बट इसके अंदर फ्रेंड्स जो सेटिंग है वो परफेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर जो इसका जो चौक होता है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर होता है इस उस साइड पर, क्योंकि दूसरा मॉडल है स्टार सिटी में यहाँ पर इस साइड पर होता है, बाकी का इसके अंदर वहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रॉब्लम हो रहा है जो चोक से ही हो रहा है, आपको भी कभी ऐसा फॉल्ट आया आपके सामने भी, तो आप इसका सबसे फर्स्ट में जो चोक केबिल है उसको ज़रूर चेक करें। बाई चांस कभी कभी जो है इसका चोक केबिल जो है ख़राब रहता है, जिसकी वजह से कार्बोरेटर में मतलब सही सेटिंग नहीं होता और जो गाड़ी है जो है अपने वो ब्लैक स्मोक मारती है। तो फ्रेंड्स, मैंने जिसके अंदर जो साइलेंसर फिटिंग किया वो स्टार सिटी का है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये स्टार सिटी का साइलेंसर है इसके अंदर जो लगा हुआ है। हमने पूरा चेंज किया है इसका साइलेंसर, जो पुराना वाला है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। इसके अंदर हमने हाफ इंजन का काम किया था, बाकी प्लग वगैरह सब नए पड़े हुए हैं। तो इसका जो कार्बोरेटर है वो बिल्कुल सही सेटिंग नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको जो चोक का जो सिस्टम है उसको दिखा दूँ आपको। देख सकते हैं आप, इसके अंदर ज़रा सा भी प्ले नहीं है। तो इसके अंदर अगर प्ले नहीं रहेगा तो अपनी जो बाइक है वो चौक में चलेगी, जिसकी वजह से हमारा जो माइलेज है वो माइलेज भी कम हो जाएगा और गाड़ी जो ब्लैक स्मोक करेगी, क्योंकि इसमें जो पेट्रोल की सप्लाई होती है वो बिल्कुल परफेक्ट जाना चाहिए। अगर गाड़ी आपकी चौक में रहेगी तो जो सप्लाई पेट्रोल का वो ज़्यादा जाता है, तो जिसकी वजह से पेट्रोल पूरा सही से जल नहीं पाता है हेड के अंदर, और उसकी वजह से हमारी जो बाइक है वो ब्लैक स्मोक करने लगती है। तो काला धुआं आप इस तरह से भी इसका सही कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सेटिंग है फ्रेंड्स, मैं आपको स्टार्ट करके बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी देखिए बाइक को जो स्टार्ट कर दिया है, तो अभी फ्रेंड्स ये आइडियल पे रुकती है, उसके बाद देखिए आप ज़रा सा भी हैंडल मूविंग करेंगे इसका, घुमाएंगे उस साइड का, तो जो केबल इसका चोक वाला है वो जाम है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स मतलब गाड़ी जो है बंद हो जाती है या इसका रेस जो है कम ज़्यादा हो जाता है। देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका जो हैंडल हमने मूविंग की उसके बाद ये बाइक जो है बंद हो गई। जो केबल है इसको डायरेक्ट आपको चेंज कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो मैं इसको भी यहाँ से निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। नहीं है फिर इसके अंदर प्ले रहना चाहिए, अगर प्ले नहीं रहेगा तो आप ही समझ लीजिए आपकी बाइक जो है चौक में चल रही है, जिससे माइलेज भी कम होगा आपका और ब्लैक स्मोक भी आएगा और स्टार्टिंग में भी और मिसिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको भी चलिए यहाँ से अलग कर देता हूँ, उसके बाद आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको कि इसका जो सही हुआ कि नहीं सही हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बाइक जो आइडियल पे रुक जा रही है अभी, क्योंकि यहाँ से हम लोग रेस जब बढ़ा देते थे तो क्लच दबाने के बाद जो इसका रेस वो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाता था, उसके बाद क्लच छोड़ने के बाद ही कम होता था, तो गाड़ी स्लो करना पड़ता था, मतलब बहुत सी परेशानी हो रही थी हमको। तो अभी फ्रेंड्स ये बिल्कुल परफेक्ट है, अभी इसका जो हैंडल मूविंग करेंगे तो भी जो बाइक है वो बंद नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसका जो चोक केबल है उसको चेंज कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको चेंज करके लेता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका जो केबल है वो चेंज कर दिया, तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर जो प्ले है, तो फ्रेंड्स इस तरह से इसके अंदर हल्का सा प्ले आना चाहिए। अगर आपकी बाइक में ऐसा प्ले रहेगा तो समझ लीजिए आपकी बाइक जो है बिल्कुल परफेक्ट हो, चाहे वो स्टार सिटी हो, स्पोर्ट हो, कोई सी भी बाइक हो, जिसके अंदर फ्रेंड्स इस तरह का चोक दिया है, चाहे हाथ में दिया हो, ऐसे प्ले रखें इसको हल्का सा, इसमें जब प्ले रहेगा तो आपकी जो बाइक है बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और आपका जो माइलेज वो भी बिल्कुल सही देगा, गाड़ी जो आपकी है ब्लैक स्मोक नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से इसको जो परफेक्ट बिल्कुल सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।